मध्य प्रदेश के बड़वा में कड़कड़ाती ठंड में प्रातः से नर्मदा के तट पर मकर संक्रांति पर्व पर परंपरा अनुसार तिल का उपटन लगाकर स्नान करते हुए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ ने मां नर्मदा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। निमाड़ मालवा से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना कर खिचड़ी व तिल से बने व्यंजनों का दान किया। इस अवसर पर जिले के एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने, आरआई रंजित सिंह ठाकुर, नवागत टीआई योगेश तोमर सहित पुलिस अमले ने मां नर्मदा के तट पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसके पश्चात नौका विहार कर सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कुछ लोगों ने पुरानी मान्यताओं के अनुसार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मना लिया, लेकिन अधिकतर लोग 15 जनवरी को ही ये पर्व मना रहे हैं। पंडित गिरजा शंकर अत्रे ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। राशि बदलने के साथ ही सूर्य की दिशा भी बदल जाती है और ये दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। सूर्य धन राशि से मकर में आता है, इसे मकर संक्रांति मानते हैं। आज से जो है तो विवाह इत्यादि कार्यक्रम जो सब चालू होते हैं, एक महीने के लिए ये ब्रेक हो जाते हैं। रवि दक्षिणायन से उत्तरायण में आएगा। आज ये महापर्व का समय चल रहा है, जैसे मकर संक्रांति रात को 10 बजे के बाद प्रवेश हो रही है। प्रातःकालीन सुबह में मतलब जो है सो इसका पुण्य काल मनाया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन से ही खर मास खत्म हो जाता है और शुभ कार्यों की प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। दोपहर न्यूज़ के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।